नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। इस घटना का वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं बस थोड़ी देर में। ये घटना कहां पर हुई है और कैसे हुई है और इस घटना का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, ये घटना मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर हुई है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, होता यूं है कि एक बुजुर्ग ट्रेन के पटरियों को पार कर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म की ओर जा रहे थे और अचानक उस बुजुर्ग को चक्कर आ जाती है और वो बुजुर्ग पटरियों पर गिर जाते हैं। इसके बाद जो हुआ वो आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें इंजन के अगले हिस्से में बुजुर्ग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि अगर ट्रेन का पहिया कुछ और आगे बढ़ता तो बुजुर्ग को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। दोस्तों, ये घटना मुंबई के कल्याण में एक लोको पायलट की होशियारी से 70 साल के बुजुर्ग की जान बचाई गई। आपको बता दें, जब एक बुजुर्ग ट्रेन की पटरियों पर गिर जाते हैं, इसी दौरान सामने से मुंबई वाराणसी ट्रेन आ रही होती है। इसमें वो इंजन के अगले हिस्से में फंस जाते हैं। हालांकि बुजुर्ग को गिरता देख ट्रेन के लोको पायलट ने सही समय पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। मध्य रेलवे के अनुसार यह घटना रविवार दोपहर करीब 12:45 की है। ट्रेन ठाणे जिले के कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर के आगे बढ़ रही थी। ट्रेन की रफ्तार कंट्रोल में थी और लोको पायलट एसके प्रधान सतर्क थे, इसलिए बुजुर्ग को बचाया जा सका। रेलवे के अधिकारी संतोष कुमार ने वायरलेस पर बताया कि पटरियों पर एक बुजुर्ग गिर गए हैं। इससे पहले कि उन अधिकारियों की नज़र ट्रेन पर पड़ती, वो काफी नजदीक आ चुके थे। इसके बाद लोको पायलट रविशंकर ने सावधानी से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सही समय पर ट्रेन को रोक दिया गया। अगर कुछ सेकंड की देरी हो जाती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आपको बता दें, इंजन के अगले हिस्से में फंसे बुजुर्ग को मामूली खरोच आई है। तो दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस घटने का जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।